एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, जो भी बच्चे 2023 का एग्जाम देकर के आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए अपडेट है कि आपका पेपर वन एंड पेपर टू जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं, मैम आपने यूट्यूब पे पढ़ाना क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, कब स्टार्ट करोगे। तो बेटा, अभी फिलहाल अगर आपको पेपर वन और पेपर टू के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखना, क्योंकि फिलहाल हम ऐसी स्टेज पर है जहां पर हम आपकी क्लास को ले सकते हैं। तो यस, हम क्लास ले लेंगे, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे, आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो काउंसलिंग को लेकर के और रिस्पॉन्स शीट, आंसर जो ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, इन सभी चीजों को लेकर के वरीड है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आएगी आपको मैं जरूर बताऊंगी और सबसे पहले बताऊंगी, डोंट यू वरी। आपकी रिस्पॉन्स शीट जो है वो 9th of June को आएगी और जो ऑफिशियल आंसर की है वो 11th of June को आएगी। रिजल्ट आपका 18th of June को आएगा और जितनी भी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग्स हैं या भले जोसा काउंसलिंग, CSAB काउंसलिंग या जितनी भी काउंसलिंग्स है बेटा, उन सभी के रजिस्ट्रेशन 10 के बाद ही स्टार्ट हो रहे हैं। या कुछ काउंसलिंग जैसे जोसा काउंसलिंग 19th of June से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप सेफ मोड पर हो, अभी ऐसा कुछ भी आपके हाथ से नहीं निकला है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी जितनी भी अपडेट्स होंगी, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो अगेन तो मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपको कहीं का भी RGIPT, काफ़ी बच्चों ने मेरे से रिव्यू मांगा है और RGIPT के बारे में काफ़ी सारी इन्फो मुझे आप लोगों को देनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के आपको ज़रूर बताऊंगी। टिल देन टाटा बाय बाय, ध्यान रखना बेटा अपना एंड डोंट बी पैनिक, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ और आप थोड़ा सा अपने आप को काम रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका लो रैंक आ रहा है या फिर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका काफ़ी अच्छा पेपर होगा और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं भी गया होगा, दोनों के लिए सॉल्यूशंस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप JEE मेंस का कट ऑफ भी क्लियर कर पाए हैं या JEE एडवांस का कट ऑफ भी क्लियर कर पा रहे हैं, 75% क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, सब चीज़ों के लिए ऑप्शंस हैं। ऐसे कम से कम 50 कॉलेजेस हैं जहां पर 75% क्राइटेरिया नहीं है। और इसके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से करते हो कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, सिर्फ एक्सप्लोर करने की देरी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, नीचे कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हो, मैम जरूर लेकर के आ जाएगी। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।